नमस्कार, द ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा। खबर पर आने से पहले एक जरूरी बात, क्या हाल है? यूपी शुरू हो चुका है, अब सौरभ द्विवेदी द ललन टॉप पर नहीं दिखाई देंगे। उनको देखने सुनने का एक नया पता है, हमारा नया चैनल ललन टॉप यूपी, जहां पर आपको चुनावी कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में मिलेंगे व्लॉग, लाइव, ज्ञान और बहुत कुछ नया। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल, चैनल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब खबर पर आते हैं। ना बल्लेबाजों जैसी तकनीक और ना ही तेज गेंदबाजों जैसा डील डोल, लेकिन फिर भी बड़े मौज में बंदा पालघर से भारतीय क्रिकेट टीम तक चला गया और आया तो ऐसा आया कि छा ही गया। समझ तो आप गए ही होंगे और ना समझे तो समझ लीजिए, बात शार्दुल ठाकुर की हो रही है। वही शार्दुल जिन्होंने ब्रिस्बेन में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को पटका और अब ओवल में अंग्रेजों को नचा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के हॉट सेंसेशन बने शार्दुल बचपन से ही ऐसे थे, आक्रमक और दृढ़ संकल्प से लबरेज। सालों पहले की बात है, मुंबई की अंडर 23 टीम की ट्रायल्स वाली माधव मंत्री ट्रॉफी खेली जा रही थी, शार्दुल भी खेल रहे थे और इसी खेल में एक बल्लेबाज ने उन्हें लंबा छक्का टांग दिया। ओवर खत्म करके वो बाउंड्री पर टीम के 12th मैन के पास गए, बेहद गुस्सा। पहले तो उससे अपने बैग से शर्ट निकालने के लिए कहा और फिर बोले, बाहर निकल कर मारा है ना, अब दिखाता हूँ उसको, समझता क्या है अपने आप को, तो रुक मैं दिखाता हूँ उसको। इसके बाद शार्दुल गेंद फेंकने गए और पूरा जोर लगाकर बाउंसर दे मारी, बल्लेबाज हिल गया। इसके बाद अगली गेंद सीधे उस बल्लेबाज के ऑफ स्टंप पर जाकर लगी। ठाकुर ने वो ही किया जो उन्होंने कहा था। मुंबई के लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित पालघर नाम की छोटी सी जगह से टीम इंडिया तक पहुंचे शार्दुल जब सिर्फ 14 साल के थे, तो उनके कोच दिनेश लाड की नजर उन पर पड़ी। स्कूल क्रिकेट में कांदिवली के स्वामी विवेकानंद स्कूल का मैच बोईसर के तारापुर विद्या मंदिर से था। बोईसर की टीम में शार्दुल थे और दिनेश कांदिवली की टीम के कोच थे। दिनेश लाड ने देखा सामने वाली टीम का एक लड़का बढ़िया पेस और खूबसूरत एक्शन के साथ बेहतरीन आउट स्विंगर्स फेंक रहा है। उस लड़के ने दिनेश की टीम को खूब परेशान किया, वो एक एंड से लगातार बॉलिंग कर रहा था और कोच समझ गए कि उसमें कुछ तो खास बात है। लाड उस मैच के तुरंत बाद 14 साल के शार्दुल के पास गए और कहा कि वो उनके स्कूल को ज्वाइन कर ले। शार्दुल का घर उस स्कूल से बहुत दूर था, इसलिए कोच ने उन्हें 1 साल तक अपने घर पर रहने का ऑफर भी दिया। इसके बाद शुरू हुआ शार्दुल की क्रिकेट का असली सफर। टीनेज में शार्दुल अपनी टीम के पेस अटैक के सबसे छोटी कदघाटी वाले लड़के थे, लेकिन फिर भी उनके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल मुंबई का टाइप। जब शार्दुल 16 साल के थे तो उन्होंने 123 किलोमीटर की स्पीड फैक्ट कई जानकारों को हैरान कर दिया। उन्होंने गेटोरेट पेसर्स के 2008 के एडिशन में श्रीसंत, टीए शेखर और उदय गुप्ता जैसे जजों के सामने स्पीड गन पर ये स्पीड निकाल प्रतियोगिता को जीत लिया, जिसके बाद उन्हें MRF पेस फाउंडेशन के लिए चुन लिया गया। ठाकुर सिर्फ तेज गेंदबाजी तक अपने खेल को सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो बल्लेबाजी में भी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो भारत के लिए खेल सके। शुरुआत से ही शार्दुल बल्लेबाजी में हाथ दिखाते रहे। मुंबई की मशहूर हैरिस शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में साल 2006 में शार्दुल ने जूनियर और सीनियर लेवल का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के ठोक दिए। इन 6 छक्कों समेत शार्दुल ने अपनी इस पारी में कुल 10 छक्के और 20 चौके लगाए। उन्होंने सिर्फ 73 गेंदों में 160 रन ठोके, जिसके बाद सभी को ये समझ आ गया कि इस लड़के के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों टैलेंट है। शार्दुल के बारे में कहा जाता है कि वो शुरुआती दिनों से ही एक कायदे के ऑलराउंडर थे, जो कि तेज गेंदबाजी के साथ गेंद पर धोनी माफिक जोरदार अटैक करते थे। लेकिन साल 2012 में मुंबई रणजी टीम के लिए सेलेक्ट होने के बाद उनका फोकस पूरी तरह से फास्ट बॉलिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि जिस वक्त वो टीम में आए उन्हें ये पता था कि टीम को एक पेसर की ज़रूरत है, वो उस गैप को फिल कर सकते हैं। उन्होंने मुंबई में उस गैप को भरा भी। शार्दुल ने 65 फर्स्ट क्लास मैचों में 218 विकेट चटकाए। हालांकि अपनी बैटिंग का नमूना उन्होंने बाद में मुंबई क्रिकेट में भी कई बार दिखाया। मुंबई क्रिकेट को करीब से पहचानने वाले लोग शार्दुल के बैटिंग टैलेंट से अनजान नहीं है। मुंबई के लिए डेब्यू के 2 साल बाद शार्दुल का IPL में भी चयन हो गया। साल 2014 में पंजाब के लिए चुने गए। पहले 2 सीजन में उन्हें सिर्फ 1 मैच खेलने को मिला। उस वक्त शार्दुल इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने अपने कोच को फोन मिलाया और कहा, मुझे मौका मिलने दो, मैं इन्हें दिखा दूंगा। और फिर शार्दुल को वो मौका मिला साल 2017 में, जब धोनी के साथ वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए पहला मैच खेले। उन्होंने उस सीजन में 11 विकेट निकाले। इसके बाद वो धोनी के साथ CSK चले गए और 2018 का सीजन तो और भी बेमिसाल रहा। उन्होंने इस सीजन 18 विकेट निकाले और जो कहा था वो दिखा दिया। शार्दुल ठाकुर ने 2017 में पहली बार भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनी।
इसके बाद 2018 में वो भारत की T20 टीम का हिस्सा बन गए, लेकिन उन्हें टीम इंडिया की टेस्ट कैप मिली साल 2020 में, जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारत का आधा दल चोटिल था और टीम हार के दरवाजे पर खड़ी थी। विवेक राजदान की जुबान बोले तो शार्दुल ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा और उस मैच में बल्ले से 67 रनों की मैच विनिंग पारी भी खेली। अब इंग्लैंड में जाकर शार्दुल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, भारतीय क्रिकेट फैन शार्दुल को पालघर का राजा बुलाने में परहेज नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।